जी हमारा नाम है राकेश कुमार पांडे। ये जो स्टैंड है, स्टैंड की बाहर ये लोग गाड़ियां लगा देते हैं, स्टैंड वाले जी जी। अस्पताल क्या है, कहां पता नहीं ये कैसा है, मतलब है कि यहां तक जो है वो ऑफिस बना हुआ है एक्स वार्ड का, और पूरा यहां तक जो है एम्बुलेंस खड़ी रहती है और स्टैंड लगा दिया गया है दोपहिया की जो है पूरी। तो आप जब एम्बुलेंस मरीज को लाते हैं एम्बुलेंस से जी, तो क्या दिक्कतों का सामना? दिक्कत यही है कि गाड़ी घुमाने में, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रहती हैं उसको घुमाने में यही सब दिक्कत तकलीफ पड़ती है ज़्यादा। इससे मरीजों को भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, समय वेट होता है, समय ज़्यादा लग जाता है। कभी शिकायत की है इस बार? नहीं, हम लोग शिकायत नहीं किया, अब यहीं पे लाते स्टैंड लगवा देते हैं लोग, हम लोग आते भी चले जाते हैं। ये जो बाहर लगता है स्टैंड, ये गलत है? बिल्कुल गलत है ये। क्या इसको, नाम है आपका? हमारा नाम है राकेश कुमार पांडे। किसी ने भी इस मामले में ऑब्जेक्शन? अभी अभी तो कोई नहीं ऑब्जेक्शन किया है। मोनू, ये जिला अस्पताल में जो स्टैंड है ये बाहर भी गाड़ियां लगवाते हैं, क्या है इसमें? गाड़ी लाते हैं, एम्बुलेंस लाते हैं, क्या दिक्कत सामना करना पड़ता है? गाड़ी लाने में दिक्कत ये होती है, इधर से गाड़ी भी हटाओ इधर से भी हटाओ, जब गाड़ी निकालने की जगह मिलती नहीं, गाड़ी निखरती नहीं, वहीं बाहर रखना पड़ता है हमको गाड़ी। तो इसमें मरीजों को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? मरीजों को दिक्कत करने का सामना क्या, उतर नहीं पाते, समय ज़्यादा लगता है, और क्या है, दिक्कत यही है। समय से गाड़ी आएगी तो जब भी तो मरीज पहुँचेगा टाइम से। अच्छा, झंझट भी होता होगा कहने पर आप लोग? नहीं, झंझट हम तो नहीं होता कभी भी, ये होता है गाड़ी हटा दो भैया, गाड़ी निकल जाए हमारी, अपना काम करते रहो जो करना है, जो क्या मतलब है।